गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स बेटा, यूनिट 7 की आपकी तीनों वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको इसके ब्रेन टीजर्स वाले क्वेश्चन पेज नंबर 105, ठीक है, ये समझाऊंगी। 105 और 106 पे है, तो पहले ये वाले क्वेश्चन समझते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आपने उसको चूज करना है, ठीक है। जैसे पहला है, विच वन ऑफ दीज इज अनलाइक डेसिमल, ठीक है। तो इसमें से आपने कैसे चूज करना है बेटा, देखो यहाँ डेसिमल के बाद टू डिजिट्स है, यानी पॉइंट के बाद टू डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद टू डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद टू डिजिट है, बट यहाँ देखो आफ्टर डेसिमल थ्री डिजिट है, तो ये हमारा हुआ अनलाइक डेसिमल, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट, द मिक्स्ड न्यूमेरल ऑफ द डेसिमल नंबर 0.75 इज, इसको आपने सोल्व करना है। जैसे पॉइंट की जगह पे हम वन लगा देंगे और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद टू डिजिट है तो आपने दो जीरो लगा दी। इसको हम काटेंगे, जैसे पहले हमने इसको फाइव के टेबल पे कट किया, फाइव वन ज़ा फाइव, सेवन में से फाइव को लेस किया टू और ऊपर से उतारा फाइव, तो फाइव फाइव ज़ा 25, 15 आ गया, फाइव टू ज़ा 10 और ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद अगेन हमने फाइव के टेबल पे इसको कट किया, फाइव थ्री ज़ा 15, फाइव फोर ज़ा 20, तो हमारा आंसर क्या आया, 3/4, ठीक है। देन आपका सी, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 20+1+3/10+4/1000 इज, ठीक है। 20 में 1 को ऐड करके क्या है? बनेगा 21, और ये आपके आफ्टर डेसिमल है तो पॉइंट लगा दिया, टेंस की जगह पे 3, 100 का प्लेस नहीं है, नहीं दे रखा ना 100, तो 0, 1000 का है ना तो उसकी जगह पे 4, ये कंफ्यूज नहीं होना ये 0 कहाँ से आई, क्योंकि 100 का प्लेस गिवन नहीं है, उसकी जगह पे हमने 0 लगा दिया, जब गिवन ही नहीं है तो 0 ही लगाएंगे ना। उसके बाद डायरेक्ट 1000 का रखे तो 4 लगा दिया, ठीक है, जैसे हमने पीछे भी वर्कशीट 2 में डिस्कस किया है। उसके बाद इसका डी पार्ट देखो, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन डेसिमल नंबर 212.73451, तो अपने इसमें 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं आफ्टर डेसिमल, वो आपको मैंने सिखाया है, ये जो 7 का प्लेस होगा टेंस का, ठीक है, 3 का प्लेस 100 का, 4 का 1000 कैप का, ठीक है ना, तो अपने 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 4/1000, ठीक है। उसके बाद कितने डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगेगा, 1, 2, 3, तो 4 लगा दिया हमने और उसके आगे 0, काउंट करो 1, 2, 3, फिर आपका डेसिमल और 0, ऑप्शन का है आपका ये वाला 0.004, ठीक है। उसके बाद ई पार्ट, द डेसिमल नंबर ऑफ द फ्रैक्शन 325/10000, यहाँ काउंट करो कितने काउंट, 0 काउंट करो, 1, 2, 3, 4, यानी 4 के 4 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आना चाहिए, तो 325 आपने लिखा और करो काउंट 1, 2, 3, 4, हमने 0 लगा दिया और पॉइंट लगा दिया, ठीक है, तो कहाँ है आंसर, 0.0325, ठीक है। उसके बाद इसका एफ पार्ट, 200 पॉइंट, इसको आपने सोल्व करना है, 200.0286 इज रिटर्न इन फिगर एज, 200 पॉइंट के बाद का बाद में चलेगा, 200 कैसे डालते हैं, 200 पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 0 की जगह पे 0, 2 की जगह पे 2, 8 की जगह पे 8, 6 की जगह पे 6, ठीक है, इस तरह से इसको किया है। देन सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द फ्लोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, ये आपको दे रखे हैं, आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो 50 ये अपॉन वाले पॉइंट में जाएंगे ना, तो पॉइंट टेंस की जगह पे टेंस का प्लेस 2, ये 100 का प्लेस है तो लगा दिया हमने 4, 1000 का प्लेस है तो 3 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, 300+20+4/100+9/1000, तो 300 में 20 को प्लस करेंगे 320, पॉइंट टेंस का प्लेस है नहीं ना, तो उसकी जगह पे 0, 100 के प्लेस की जगह पे 4, 1000 के प्लेस की जगह पे 9। नेक्स्ट देखो, 700+3+6/10+2/100+4/10000, 700 में 3 को प्लस करके कितना आएगा, 703, मतलब 700 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 703, फिर ये आपके तो पॉइंट में जाएंगे ना, पॉइंट टेंस की जगह पे 6, 100 का प्लेस है 2, 1000 का प्लेस नहीं दे रखा उसकी जगह पे 0, 10000 का दे रखा है ना, ये 10 के बाद अगर आप काउंट करेंगे तो 10000 के उसकी जगह पे 4, ठीक है। उसके बाद आपका 3 और 4th क्वेश्चन देखो बेटा,
थर्ड है अमन परचेज्ड 3.465 लीटर्स ऑफ प्योर घी, 5.278 लीटर्स ऑफ कैरोसिन ऑयल एंड 8.475 लीटर्स ऑफ ग्राउंडनट ऑयल. फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ घी कैरोसिन एंड ऑयल बोट बाय हिम. उसने मतलब उसने घी खरीदा इतने लीटर, कैरोसिन ऑयल खरीदा इतने लीटर और ग्राउंडनट ऑयल खरीदा उसने इतने इतने लीटर. ठीक है, तो हमने टोटल क्वांटिटी बतानी है. तो पहले क्वांटिटी ऑफ घी, घी की क्वांटिटी जितनी दे रखी है उतने लीटर. फिर क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल की क्वांटिटी जितनी दे रखी है लीटर. ठीक है, ये ज़रूर लगाना है साथ में, जहाँ लीटर है लीटर, जहाँ किलोग्राम आता है किलोग्राम, जहाँ रुपीज़ आता है रुपीज़. ठीक है, तो ये इतना उसका कैरोसिन ऑयल हो गया. क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट ऑयल, इतना उसने ग्राउंडनट ऑयल खरीदा. ठीक है, मतलब कि इतने लीटर, इतना लीटर ये आया है. उसके बाद टोटल क्वांटिटी निकालनी है हमने. टोटल क्वांटिटी कितनी है घी की, कैरोसिन ऑयल की, ग्राउंडनट ऑयल की. हमने इसको ऐड किया तो 17.218 आ गया. तो टोटल क्वांटिटी ऑफ घी, कैरोसिन एंड ऑयल 17.218 लीटर्स. ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो. अशोक्स फादर गेव हिम रुपीज 248.75. अशोक स्पेंट, इतना उसने फूड में खर्च किया. मतलब कि अशोक के फादर ने अशोक को इतने रुपीस दिए, जब वो मार्केट में गया तो इतने पैसे उसने फूड में खर्च कर दिए, खाने पीने में. इतने पैसे उसने ड्रेस में खर्च कर दिए, मतलब कि अपने लिए कपड़े ले लिए. ठीक है, इतने रुपीस उसने बुक्स में खर्च कर दिए, इतने कि उसने किताबें ले ली. अब अशोक के पास कितना बैलेंस बचा, कितने पैसे बचे. तो अशोक स्पेंट ऑन फूड इतना अमाउंट, अशोक स्पेंट ऑन ड्रेस पे उसने इतना अमाउंट खर्च किया, अशोक स्पेंट ऑन बुक्स पे इतना किया. तो टोटल कितना खर्च किया, इतना. अशोक हैड मनी, अशोक के पास मनी कितनी थी, अशोक के फादर ने मनी कितनी दी थी उसको, इतनी दी थी 2248.75, वो हमने लिख दिया. अब उसका खर्चा कितना हो गया, उसने स्पेंड ऑन फूड प्लस ड्रेस प्लस बुक्स, उसने फूड खाना भी खाया, ड्रेस भी ली, बुक्स भी ली, तो इतना उसका खर्चा हो गया. ठीक है, अशोक हैव लेफ्ट मनी, तो अब उसके पास कितनी मनी बची, जितना अमाउंट था, जितना उसका खर्च हुआ, उसको लेस करो, उसको घटाना है यहाँ पे. ठीक है, उसको लेस करो, सब्ट्रैक्ट करो और इतना आपका बच जाएगा. तो कितना जाएगा, 613.30 रुपीज़. ये इसके रुपीज़ है, आप आगे तो आपने रुपीज़ लगा लिया. ठीक है, तो ये उसके पास मनी बच गई. ठीक है, इस तरह से आपके ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आपकी यूनिट 7 जो है पूरी तरह से कंप्लीट होती है. ठीक है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, यूनिट 7 की, इसके ब्रेन टीजर्स की. ओके, थैंक यू.